दोस्तों YouTube के चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन से संबंधित ये जो सवाल है आपका सीआईबी का बीएफएम यानी बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो रही है, उसमें पार्ट नंबर 6 है। पहला सवाल देखेंगे, फाइंड द ऑड वन आउट। तो कौन सा इसमें ऑड वन आउट है? पहला ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड मेथड, दूसरा बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, तीसरा सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, चौथा इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो है सी, यानी है आपका सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। फिर दूसरा सवाल देखिए, लोन्स विच आर एनपीए फॉर ओवर 48 मंथ्स आर कैटेगराइज्ड अंडर। ऐसे लोन जिनका एनपीए 48 महीने से भी ऊपर हो गया है उसको किस कैटेगरी में डालेंगे? पहला है डाउटफुल 3 कैटेगरी, दूसरा डाउटफुल 2 कैटेगरी, तीसरा सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, चौथा है नन ऑफ द अबव। जो सही सवाल है आपका वो है आपका ए, डाउटफुल 3 कैटेगरी। फिर एडवांस अंडर डाउटफुल 2 कैटेगरी रिक्वायर डैश एज प्रोविजन। जो एडवांस आपकी डाउटफुल 2 कैटेगरी में होता है उसको क्या प्रोविजन चाहिए? जो सही ऑप्शन है इस केस में वो सॉरी इसमें जो ऑप्शन दिया 50% ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी प्लस 100% ऑफ शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी, दूसरा है 100% ऑफ आउटफॉल 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तीसरा आपका 100% ऑफ शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी प्लस 30% ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, चौथा है नन ऑफ दिस। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, यानी 100% ऑफ शॉर्टफॉल इन सिक्योरिटी प्लस 30% ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, बोलता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अंडर बेसल इट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ। बोलता है कि जो कैपिटल एडिक्वेसी का रेशियो अंडर बेसल, तो उसमें बोलता है जिसको कंप्यूट किया गया किस बेसिस पे। पहला ऑप्शन दिया है आपका रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर क्रेडिट रिस्क, दूसरा है कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क, तीसरा है कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क, चौथा ऑल द अबव। जो सही ऑप्शन इस केस में सारे ऑप्शन सही हैं, यानी ऑल द अबव हो जाएगा। फिर सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस अंडर बेसल 2, ये बेसल 2 है, अंडर बेसल 2 फ्रेमवर्क रेफर्स टू। बोलता है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस जो बेसल 2 के तहत में फ्रेमवर्क में वो क्या है? पहला ऑपरेशनल रिस्क, दूसरा मार्केट रिस्क, तीसरा क्रेडिट रिस्क, चौथा है नन ऑफ दिस। जो सही ऑप्शन इस केस में नन ऑफ दिस है। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा ऑड वन है? पहला ऑप्शन है फी बेस्ड इनकम, दूसरा ओन्ड फंड, तीसरा स्टाफ एक्सपेंसेस, चौथा है ट्रेजरी इनकम। जो सही ऑप्शन है वो है ओन्ड फंड्स। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी डिपार्टमेंट। इनमें से कौन सा जो फंक्शन है, कौन सा ऐसा फंक्शन है नहीं है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी डिपार्टमेंट का? पहला ऑप्शन है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, दूसरा है फैसिलिटेशन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ द बैंक, तीसरा आपका इश्यूएंस ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ट्रेवलर चेक, उसके लास्ट में असिस्टिंग द बैंक मैनेजमेंट इन ए एल एम। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी इश्यूएंस ऑफ फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ट्रेवलर चेक। ये काम ट्रेजरी डिपार्टमेंट का नहीं, इसके अलावा सभी काम ट्रेजरी डिपार्टमेंट का है। बाय इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज वी मेन, बोलता है इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है कंट्रीज जो कि अट्रैक्ट कर रही है बीपीओ बिजनेस को, दूसरा है फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज, तीसरा है कंट्रीज जो कि इंडिपेंडेंट बन गया है यूएसएसआर से स्प्लिट होने के बाद, चौथा है ओईसीडी कंट्रीज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज। फिर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर, वो जो डिफरेंस है फ्यूचर फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? पहला बोलता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बोलता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उनका जो टर्म्स होता है बहुत हाईली स्टैंडर्डाइज्ड होता है, जैसे कि हाईली स्टैंडर्डाइज्ड होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होता है। फिर बोलता है जो दूसरा ऑप्शन है ट्रेड जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में किया जाता है वहाँ पे इसको मार्क किया जाता है डेली बेसिस में, ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होता है। फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्लिगेशन गारंटीड किया जाता है जिसको कि रिस्पेक्टिव क्लियरिंग हाउस करती है, ना कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह। डी ऑप्शन है ए एंड बी ओनली, बहुत डी ऑप्शन है बहुत ए एंड बी ओनली, ई ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सारा ऑप्शन सही है ई। दसवा क्वेश्चन क्या है? प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड। प्रोमिसरी नोट जो कि इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो इसलिए इशू किया जाता है ताकि वो अपना शॉर्ट टर्म का रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। तो पहला ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दूसरा कमर्शियल पेपर, तीसरा कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, चौथा है ट्रेजरी बिल्स। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो क्या हो जाएगा? ट्रेजरी बिल्स। यहाँ पे एक मेगा ऑफर चल रहा है जो कि वैलिड है 14 अक्टूबर 2018 तक। अगर आप कोई भी जेआईबी सीआईबी का अगर कोर्सेज करना चाहते हैं अगर आप, ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा जिसकी हेल्प से सारा का सारा वीडियो लेक्चर कोर्सेज कर सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो देख सकते हैं, 2006 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक रिवीजन नोट रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा।
अगर कोई भी सिंगल जेआईबी सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशन पेपर करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये, ऑफर प्राइस में चीज 600 रुपये रहेगा। अगर आप जेआईबी का कॉम्बो पेक करते हैं यानी तीनों पेपर एक साथ खरीदते हैं, इसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस में 1500 रुपये रहेगा। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं, इसका दाम है 3500 रुपये, ऑफर प्राइस में चीज 1100 रुपये का रहेगा। सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं, इसका दाम है 4500 रुपये, ऑफर प्राइस में 1500 रुपये रहेगा। 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं कोई पेपर का, दाम है 199 रुपीज़, और कॉम्बो पैक के मॉक टेस्ट का 399 रुपीज़। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jbcbcdmetal.com, ईमेल आईडी है 3,